आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद हमसे में देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट RO एग्जाम 2019 को मोस्ट एक्सपेक्टेड कट ऑफ को आंसर की जो भी हो सका है मैंने अपने वीडियो चैनल के माध्यम से आपको दे दिया है और ढेर सारे जो बच गए थे उनको मतलब संशोधित करके ग्रुप में सेंड कर दिया था तो आई होप आपने वहां से देख लिया होगा, नहीं देखा होगा तो ग्रुप की लिंक मैं दे दूंगा वहां से आप देख सकते हैं ठीक है। और काफ़ी सर्वे के बाद मैंने ये कट ऑफ बनाई है और अगर इतना आ रहा है आपको तो टाइपिंग शुरू कर दो क्योंकि हाई कोर्ट की वैकेंसी में स्पेशली ARO और RO की वैकेंसी में टाइम नहीं दिया जाता, बहुत ही कम टाइम रहती है और सब कुछ डिपेंड आपका बहुत कुछ डिपेंड आपका करता है टाइपिंग पे ठीक है। यहां पे अगर आपका लगभग बॉर्डर पे भी नंबर हो तो आप टाइपिंग में बेहतर स्कोर करके आप सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हो। नेक्स्ट इसमें डिस्कस कर लेंगे क्योंकि अलग अलग वीडियो बनाना काफी टाइम टेकन हो जाता है तो ट्यूबवेल ऑपरेटर को कुछ अपडेट को देख लेते हैं, जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग अपडेट्स को देख लेते हैं कि कब इसका टाइपिंग होने वाला, बहुत ही जल्दी होगा इसलिए मैंने इसको मेंशन कर दिया कि आपको याद रहे। यूपी त्रिपुलसी लोअर टू के रिजल्ट के अपडेट को देख लेंगे तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी भाई बहन अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपकमिंग जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स रहे साथ ही साथ क्रैश कोर्स रहे वो आपको मिलते रहे क्योंकि दोस्तों आज के बाद से आपके इस वो पे चैनल के थ्रू आपको आपके लेखपाल भर्ती जो आने वाली है उसके लिए और साथ ही साथ जो आपकी होने वाली NTPC का एग्ज़ाम उसका पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो प्रोवाइड किया जाने वाला है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं डिस्कस कर लूँगा यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, इसी के अकॉर्डिंग अपना वो रहता है जो कट ऑफ रहता है वो डिपेंड करता है। देखिए पेपर थोड़ा सा ईजी मॉडरेट टफ तीनों चीज़ थी, जैसा कि आपने आप कंप्यूटर में देखा होगा रीजनिंग में देखा होगा, रीजनिंग में सबके लगभग पूरे के पूरे सही हुए हैं। रीजनिंग कंप्यूटर हिंदी ये काफ़ी आसान थी, मॉडरेट आपको देखने मिला इंग्लिश का जिनकी बेहतर तैयारी भी थी उनके 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं और टफ देखा गया आपका किस में GS पोर्शन में। पैटर्न चेंज इसलिए मैं बता रहा हूँ पैटर्न में क्वेश्चन डिक्रीज किए गए, जहाँ 25-25 क्वेश्चन आपके हिंदी रीजनिंग और कंप्यूटर से हुआ करते थे वो डिक्रीज करके काफ़ी कम क्वेश्चन कर दिया और यही इंक्रीमेंट कर दिया गया है आपका किसमें GS में। तो GS बहुत मेरा बड़ा मैटर कर रहा है यहाँ पे और बहुत कम स्टूडेंट इसमें एबसेंट हुए हैं क्योंकि लगभग सबका अगल बगल के ही जिले में मिल गया था तो इसमें एबसेंट बहुत कम स्टूडेंट हुए हैं, 20-25% स्टूडेंट केवल ओनली। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं आपके फाइनली कट ऑफ को। इसमें दोस्तों यहाँ से ये कट ऑफ है और ये कट ऑफ पूरी चांसेस है इसी कट ऑफ के सही होने के, अगर इतना आ रहा है तो डेफिनेटली मान के चलिए इतने में प्री तो निकल ही जाएगा, टाइपिंग के लिए आप बुलाए जाएंगे ठीक है। तो 155 प्लस माइनस ये जनरल का हो जाएगा, ये पूरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 200 क्वेश्चन में से। OBC का 150 प्लस माइनस 5, SC का हो जाएगा 145 प्लस माइनस 5, ST का हो जाएगा 143 प्लस माइनस 5 और फीमेल का जो हो जाएगा 146 प्लस माइनस 5। अगर आपका इतना आता है तो डेफिनेटली आप अपने टाइपिंग को स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि इसी महीने के एंड में भी हो सकती है और बहुत कम टाइम दिया जाता है इन लोगों को, या 15-20 दिन 25 दिन के बाद आपकी टाइपिंग कराई जा सकती है, जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है वो तुरंत करा देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं देते हैं, आई होप आप जानते भी होंगे। तो चलिए अब इसमें डिस्कस कर लेते हैं बाकी सारी चीजों को। दोस्तों इसमें ट्यूबवेल ऑपरेटर के अपडेट्स को देख लेते हैं, जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ने IDO सेंड किया है ग्रुप में और ग्रुप में अब इतने हजारों लोग जुड़े हुए हैं तो सबको मैसेज मिल जा रहा होगा, नहीं मिलता तो मैं खुद सेंड कर देता हूं। तो देखिए इसमें जो लिंक ओपन हुई थी चॉइस फिलिंग आपको डिस्ट्रिक्ट आवंटन का ऑनलाइन होने का, तो काफ़ी स्टूडेंट ने फ़ोन वगैरह किया तो अभी तक तो उनका ये था कि 15-20 के बीच में आपको मिल जाएगा, बट अभी उसमें बताई जा रही है कि ये डिले हो रहा है, कंटिन्यू डिले हो रहा है। लेकिन आपको जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था किसी मंत्री से या योगी जी के जनता दरबार में जाके ये काम करना ही होगा, तभी आपके इसमें इस चीज़ में मतलब थोड़ी सी तेज़ी आएगी, ये काम जरूर कर लीजिए। देखिए जूनियर असिस्टेंट के जो टाइपिंग अपडेट है वो इसी महीने के अंतिम तक हो सकती है और जल्दी आने वाला है आपका कैलेंडर UP TSSC 2020 का, तो उसमें ये मेंशन रहेगा। हालांकि कैलेंडर ये बहुत कम फॉलो करते हैं बट ये है कि बहुत ही जल्द होगा, इसलिए जो मैंने कट ऑफ बताई थी उसके आसपास में अगर आ रहा तो टाइपिंग जरूर शुरू कर दीजिए जूनियर असिस्टेंट की, क्योंकि इसमें टाइपिंग बहुत बड़ा मैटर करती है। आपके हिंदी 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश 30 वर्ड पर मिनट क्वालिफाइंग होता है, क्वालिफाई नहीं करते हो तो आप लाख मार्क्स लेके आओ अपने प्री एग्जाम में तो आप बाहर हो जाते हैं। UP TSSC लोअर टू रिजल्ट को लेके अपडेट जो है वो ये है कि अभी इसका कैलेंडर आएगा तभी ये मेंशन हो पाएगा, अदरवाइज बहुत सारे स्टूडेंट धरना देने के लिए ग्रुप में भी बोल रहे थे, तो ये जो लोअर का मेरा ग्रुप है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ने किया है, तो 15-16 जनवरी के बीच में उन्होंने शायद डेट भी रखी है,
तो ये देख लीजिएगा। और बिना अभी तो फिलहाल कुछ बेहतर अपडेट नहीं है कि किस दिन रिजल्ट आ जाएगा, कोई फिक्स नहीं बता सकता, बट ये है कि कैलेंडर आने वाला है उससे पता चल जाएगा। तो ये कुछ थी बेटर अपडेट्स, और अगर वीडियो पसंद है प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को जरूर कर दिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।